A very good morning to all. This is your Neha. Miss, welcome you all in your math class. आज के लेक्चर में हम कल हमने लेक्चर 5 तक किया था, आज हम लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. कल आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी चीज को कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ हम एडिशन करेंगे. एडिशन होता है प्लस करना. ठीक है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिए हैं. 22 इंटू 7 प्लस 5, ठीक है, 22 इंटू 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 कितना हुआ? 12 हुआ. 22 इंटू 12, 22 इंटू 12 कितना हुआ? जब मैं 22 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 4 4 5 6, 264 मेरे पास कितना आया? 264 आया. एंड जब मैं 22 को 7 के साथ करूंगी प्लस 22 इंटू 5, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी का नाम क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब ये इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करना है और इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है, 22 इंटू 7 प्लस 22 इंटू 5 मेरे पास आया 154 प्लस 110. जब मैं 154 और 110 को प्लस करूंगी, 4 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 1 2, मेरे पास कितना आया? 264 आया. ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल मैंने लिया 14 इंटू 4 प्लस 9. जब मैं 9 और 4 को प्लस करूंगी तो मेरे पास आएगा 13. मैं 14 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 ये 4, ठीक है, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 2 4 प्लस 4 8 और ये 182. मेरे पास कितना आया? 182 आया. एंड 14 इंटू 4 प्लस 14 इंटू 9, इसको भी मैंने दो में डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना आया? 14 इंटू 4 56 और 14 इंटू 9 126, मेरे पास आया 182. ठीक है, फ्रॉम द टू एग्जाम्पल वी सी दैट दो एग्जाम्पल से हमें क्या दिख रहा है? 22 इंटू 7 प्लस 5 इक्वल टू 22 इंटू 7 प्लस 22 इंटू 5, 14 इंटू 4 प्लस 9 ये इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ और ये इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्या फार्मूला है? ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी. ये वाला इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये वाला इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा. इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन अवर एडिशन. मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया एडिशन के बेस पे. नो लेट अस सी वेदर द सेम होल्ड्स. इसी की तरह हम सब्ट्रैक्शन वाली देखेंगे. अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिए हैं 7 इंटू 12 माइनस 9. मैंने इसको यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट किया. 7 इंटू 12 में से 9 को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 3. 7 इंटू 3 21 एंड 7 इंटू 12 माइनस इसको इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट किया तो 7 12 जा 84, 7 9 जा 63. 84 में से 63 को माइनस करेंगे मेरे पास आएगा 21. सेकेंड एग्जाम्पल है 14 इंटू 8 माइनस 2. 14 इंटू 8 माइनस 2 मतलब 8 माइनस 2 6. मैंने इसको इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट किया, 14 6 आ 84 एंड 14 इंटू 8 माइनस 14 इंटू 2 मेरे पास आया 102 माइनस 28 कितना आया? 84. ठीक है, वी कैन सी दैट हमें क्या देखने को मिलेगा? 7 इंटू 12 माइनस 9 इक्वल टू 7 इंटू 12 माइनस 7 इंटू 9, मतलब इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया 14 इंटू 8 माइनस 2, 14 इंटू 8 माइनस 14 इंटू 2. अगर एबीसी होल नंबर्स है, होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, देन ए इंटू बी माइनस सी किसके इक्वल हो जाएगा? ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, वेयर बी ग्रेटर देन सी. वी से दैट हम कह सकते हैं फॉर होल नंबर्स मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में. ठीक है, देन लास्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट. आइडेंटिटी एलिमेंट हुई जीरो वाली. ठीक है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग. आइडेंटिटी किसको बोलते हैं हम? जीरो को. 255 को मैंने जीरो से प्लस किया तो हम किसी भी चीज को अगर जीरो से प्लस करें तो वो सेम नंबर आता है. जीरो प्लस 67 में मेरे पास क्या है? 67 आया. ठीक है, अगर हम किसी में जीरो को ऐड करें किसी भी होल नंबर में तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? सेम नंबर आएगा. वी से दैट हम कह सकते हैं जीरो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है होल नंबर्स के लिए अंडर एडिशन. और जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर. जीरो क्या? एडिटिव आइडेंटिटी है होल नंबर्स की. ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी ये सारी प्रॉपर्टीज 5 की 5 खत्म हुई. इसी के ऊपर आपके क्वेश्चन बेस्ड है. ओके स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे.
का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, मतलब हमने सम निकालना है, फाइंड होता है निकालना, सुटेबल रीअरेंजमेंट मतलब अरेंज करके, ठीक है। मेरे पास फर्स्ट पार्ट है 837 प्लस 208 प्लस 363, ये मेरे को गिवन है, ठीक है। मैंने क्या करना है, पहले बड़ी वाली टर्म लिखनी है, ठीक है, बड़ी वाली को बड़ी वाली के साथ, लास्ट में छोटी वाली। मैंने देखना कि जीरो कितने आते हैं, मेरे को ज्यादा जीरो चाहिए। 837 को जब मैं 363 से प्लस करूंगी तो मेरे पास आएगा 1200 प्लस 208, ठीक है। जब मैं 1200 और 208 को प्लस करूंगी मेरे पास आएगा 8041408, ठीक है। बी पार्ट है मेरे पास 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647, ठीक है, ये हमें गिवन है। मैंने 1962 को ये बड़ी वाली टर्म 1538 में लिखा, प्लस 453 प्लस 647 कितना आया, 1962 और 15, जब मैं 1962 और 1538 को प्लस करूंगी 8910, ये 7 8 9 10 01 करी 10 और ये 15 था 16 और ये 3 36 3500, ठीक है, प्लस 1100, जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगी मेरे पास आएगा 4600। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल एरेंजमेंट, हाँ प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई करना, पहले हमने अरेंज करने है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 2 × 1768 × 50, ठीक है। मैंने 2 को इसको अरेंज करके लिखना है, 2 को मैंने पहले 50 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने देखना है जीरो कहाँ ज्यादा आ रहा है, फिर 1768 को बाद में लिखना है। मैंने 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास आया 100, और 1768 जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास आएगा 176800। बी पार्ट है मेरे पास 4 × 166 × 25, मैंने 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया और 166 से, तो मेरे पास आया 100 × 166 कितना आया 16600। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 100, जब मैं 166 और 100 को मल्टीप्लाई करूंगी 0 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 6 1 6 6 1 6 1 1 1 1 6 6 0 0, मेरे पास आया 1660। सी डी ओ री पार्ट आप खुद करोगे, पहले आप 8 को 125 से मल्टीप्लाई करोगे, देन 291 लिखोगे, फिर 625 को आप 16 से मल्टीप्लाई, 16 को 279 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 625, फिर 5 को 60 से, फिर 285, ये तीन पार्ट आप घर से खुद करके लाओगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा मुझसे पूछ सकते हो। एफ पार्ट है मेरे पास गिवन 125 × 40 × 8 × 25, मैंने 125 को 8 से जब मल्टीप्लाई किया, मैंने इसीलिए किया क्योंकि लास्ट वाली टर्म में देखना होता है कि ज्यादा जीरो कहाँ आ रहे हैं। मैंने 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास 40 आया, ठीक है। 125 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 1000 आया, और 40 को 25 से करूंगी 1000 आया, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 10000, ठीक है। स्टूडेंट्स ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसी के साथ आपके एक्सरसाइज 2.2 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको कोई डाउट है इसके रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।